दोस्तों आज हम लोग भाई चूला जा रहे हैं रानीबाग चिड़िया बाजार चिड़ियाखाना जू हाउस जा रहे हैं, तो देखते हैं चलिए। और फिलहाल हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ से खारे स्टेशन से, तो खारे स्टेशन दादर और दादर टू भाई चूला जाएंगे और वहाँ से रानीबाग है चिड़ियाघर वहाँ जाकर चलिए सफ़र करते हैं हम लोग। और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन का टाइम है 2:57 में है और देखते कब तक आता है क्योंकि बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। इधर से चलिए भाई, बहुत मशक्कत के साथ ट्रेन आई है और इससे पे ब्लॉग दादर पहुँच गए हैं और बाद में ट्रेन चेंज करेंगे जो कि बाइक लगा ट्रेन होगा वहाँ से रानीबाग। क्राउड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है और आप देख सकते हैं क्राउड को। देख सकते हैं भाई क्राउड कितनी बुरी है और गर्मी बहुत ही अच्छा खासा है जबकि मौसम नॉर्मल गया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा आ चुकी है और पकड़ेंगे। देख सकते हैं स्टेशन और क्राउड तो स्लो ट्रेन पकड़नी है अपने को यहाँ से। जैसा कि भीड़ देख सकते हैं बहुत ही बुरी भीड़ है। कितने नंबर प्लेटफॉर्म से हैं? 3 6 से है और 6 से या 3 से जाएगी। हम तो इससे जाते हैं हमेशा अंबरनाथ है यहाँ पे, नहीं अंबरनाथ ही है इतने नंबर से 2 मिनट के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं यहाँ शिवाजी है छत्रपति हाँ वहाँ से भी जाती है, जा चुकी है और आर्य स्लो छत्रपति शिवाजी जाते हैं महाराज यहाँ से 6 नंबर प्लेटफॉर्म से आते हैं। चलिए भाई तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म हम करते हैं, ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म ये वाला है और चलिए देखते हैं अभी कौन सा, ये है ना प्लेटफॉर्म। चलिए तो यहाँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ गए और फिलहाल के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी पकड़ने को वास्ते, तो जो भाई चूला को जाएगा देख सकते हैं। और गर्मी भी एक चारों में पसीने पसीने आ रहे, भाई गर्मी बहुत ज़बरदस्त है देख सकते हैं। और साबिर भी साथ में है मेरा बेटा देख सकते हैं, मेरी बेटी भी देख सकते हैं। तो ये बदला पूरा की ट्रेन है, ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म, 7 नंबर प्लेटफॉर्म से है ना ये, और ये बेटी की ट्रेन आ रही है चलिए देखते हैं। सर यहाँ से बेटी की ट्रेन जाएगी ना, बेटी की ट्रेन आगे ट्रेन आ गई ना, खुला दे उनको पहली। अभी भाईकला में आ चुके हैं और भाईकला इसलिए आते हैं लोग और रानीबाग को, तो चलिए दिखाते हैं आपको रास्ता। ये भाईकला स्टेशन है और ये ट्रेन रुकी थी इसे हम रुकते हैं और अभी हम लोग भाईकला स्टेशन को जाएंगे। बाहर आ चुके हैं, किसके भी रास्ता के लिए जाएंगे रानीबाग।
हैं रास्ता कैसे जाने का अलीबाग। चलिए अभी हम रानीबाग को चलते हैं हम लोग, वहाँ से हम लोग रानीबाग को जाते हैं। रानीबाग को ये ब्रिज तो ही तो टच होती है मेरे ख्याल से, यही ब्रिज टच होती है उसको रानीबाग को। ये देख सकते हैं टिकट काउंटर बाइक लगा और ये रास्ता जाता है मेरे ख्याल से। सब रानीबाग को तो नहीं जा रहे हैं, सब रानीबाग को तो नहीं जा रहे, बच्चे भी हैं सारे। चलिए देखते हैं रानीबाग को जाने का रास्ता। आपको पता है रास्ता कैसे जाना अभी? सर रानीबाग जाना था। रानीबाग जाना था। थैंक यू सर, चलो भाई थैंक यू। साढ़े पाँच अभी टाइम है, आराम से घूम लेंगे। तो कितना सा है, इतना छोटा सा तो जगह ही है, कोई बड़ा थोड़ी जू हाउस है। चलो भाई सब जू हाउस के बच्चे ने वैकेशन चालू है और सारे बच्चे जू हाउस जाने के लिए जानवरों को देखने के लिए तैयार है और बेकरार है। तो हमारे पास भी बच्चे देख सकते हैं, ये भी जाने तैयार है। तो लेफ्ट लेते रास्ता, वहाँ से लेफ्ट रास्ता है, ये रास्ता स्टेशन जाता है भाईकुला को और भाईकुला से रानी बैठे रास्ते। हाँ आके आपको दिलाते, आपको दिलाते संतरा लाएंगे बेबा, आगे दिलाते हैं आपको। चलिए भाई स्टेशन अभी लेते, पानी ले लीजिए साथ, पानी नहीं यहाँ से ले लीजिए, बच्चे को पानी चाहिए। अच्छा अम्मी अम्मी वो रोकिए, पानी ले लीजिए, यहाँ से पानी ले लीजिए, चार ले लीजिए, चार छोटा है ना, हाँ छोटा चार ले लीजिए पानी। सब देखिए भीड़ वही थी भाई रानीबाग की, और वहाँ से भी टिकट लेंगे हम लोग रानीबाग के लिए, देखते हैं टिकट कितने का है। दस रुपये ले लीजिए, चार ले लीजिए। चलो ऐसे कितने क्राउड, अरे बैग जी बैग जरूरत नहीं है, आगे है बैग ले लेते हैं। चलिए भाई अभी हम लोग यहाँ पे